पहले तुम्हारे को समस्या था, वो आती नहीं थी समस्या, लेकिन आज हम इस गोंडवाना किले में, गोंडवाना राज में, जब उस समय गोंडवाना राज था, उस गोंडवाना राज के समय में गोंडवाना में रहने वाले गोंड कोरकू ओझा बेगा प्रधान भील बिलाला मुंडा मुआसी सभी हम आदिवासी लोग संगठित होकर के एक होकर के रहते थे निवास करते थे। लेकिन दुश्मनों ने षड्यंत्र पूर्व रच करके हम लोगों आदिवासियों को कई जातियों में बांट करके हमको बिखेर दिया। कैसे? अरे ये तो गोंड है, ये ओझा है, तो ये प्रधान है, तो ये बेगा है, तो ये भील है, तो भिलाला है, तो ये मुंडा है, वहाँ कई उपजातियों में हमको बांट के हम जो ऐसे संगठित थे हम लोगों को ऐसे फैला दिया। लेकिन अब हमको अपने गोंडवाना राज को वापस लाने के लिए हम सबको फिर एक होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। हम सब लोग एक नहीं होंगे तब तक हम लोग ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, क्योंकि दुश्मन चाहता ही नहीं है कि आदिवासी एक हो, क्योंकि वो तो चाहता है आदिवासी उनकी निगाहों में बिल्कुल एकदम जैसे कि बिल्कुल दिमाग पे चढ़ा हुआ है। अगर हमने किसी से बोल दिया कि आदिवासी कौन है तो वो सीधे कहेगा आदिवासी वो जंगल पहाड़ पे रहने वाला लंगोटी लगा लेने वाला ही आदिवासी कहलाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारा आदिवासी भाई ऐसे पेंट शर्ट पहने कोट पहने, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आदिवासी आज हर चीज़ में आ गया है। तो हमको भी अब बता देना है, हमारे आदिवासियों को भी बता देना है, भाइयों अब हमको संगठित होकर के हक और अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हक और अधिकार के लिए आगे नहीं आएंगे हम लोग इस तरह ही बिखरे रहेंगे। क्योंकि आज देश को आज़ाद हुए लगभग 65 साल हो गए, और इस 65 साल में हमारे देश में कई लोगों ने हम लोगों को प्रताड़ित किया, लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि आज हम संगठित होकर के हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए संगठित हों, क्योंकि आज हम लोग इतने प्रदेश में गोंडी बोलने वाले हैं, आज